नमस्कार, मैं हूं संबल शुक्ला और अभी हम मौजूद है हरियाणा के सोनीपत जिले में। और अभी हम यहां पे खड़े हैं एक गोभी के खेत में, जो कि आपको मैं दिखा सकता हूं कि गोभी की हालत क्या हो चुकी है। आप देखिए, और मेरे साथ यहां पे जिनका खेत है, जिन्होंने गोभी को बो रखा है, और उनको मेरे साथ खड़े हैं, और तमाम वो किसान हरियाणा के जो मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे बात करने के लिए चल रहा हूं। और आप देखिए कि अभी हरियाणा के किसानों को कितनी समस्याएं जो है झेलनी पड़ी, ताऊते तूफान, फिर बारिश, और जो सरकार की मार है उस पर हम आज चर्चा करेंगे हरियाणा के सोनीपत जिले में किसानों से। और हम बता दें, सोनीपत जिले के सफियाबाद गांव में हैं, जो कि यहां पे छोटे से लेकर बड़े सारे जमींदार जितने लोग सब इकट्ठा हुए हैं, और हमारा चैनल यहाँ पे बिल्कुल किसानों की ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट आप तक पहुँचाएगा कि क्या क्या समस्या असल में किसानों की है। यहाँ पे भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा क्या समस्याएं होती है यहाँ पे, और किसानों को क्या क्या मुसीबतें झेलनी पड़ती है, आइए हम बात करते हैं। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं एक किसान जो कि इसी गांव के रहने वाले स्थानीय निवासी हैं। क्या नाम है जी आपका? सुखबीर कौशिक जी। अच्छा सुखबीर जी, आप किसान हैं, तो आप क्या क्या उगाते हैं? हम जैसे गोभी उगाते हैं, प्लेज करते हैं, धान भी लाते हैं, गेहूं भी बोते हैं, प्याज भी लाते हैं। मैं बताऊं आपको? जी जी जी। हाँ, बंद गोभी थी, इसमें नुकसान है, सबसे ज्यादा प्याज में नुकसान हो रहा है बारिश के कारण। तो आपने इस बार कितना प्याज उगाया था? प्याज लगा रखा था 1 किलो। तो 1 किले में क्या लागत लगी और कितना आपको फायदा हुआ वो बताइए। लागत तो जाती है करीब 30,000 के करीब खर्चा आ जाता है। तो अभी मतलब कुछ थोड़ी बहुत प्याज बची है या सब नुकसान हो गया? प्याज जो रुक रही है वो गलने लग रही है। अच्छा। जो बारिश के कारण जो पानी अंदर चला गया, प्याज रुक नहीं रही जी। रोजाना उसे मजदूरी से चटवाना पड़ता है, और फिर भी उसके बाद प्याज रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो आप देख रहे हैं अभी, और बिल्कुल ये खास रिपोर्ट ग्राउंड लेवल की। हमारे साथ एक और किसान मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे समस्या क्या है। जी क्या नाम है आपका? जय कुमार। जय कुमार जी, आप क्या क्या उगाते हैं अपने खेत में? प्याज होगी और गोभी होगी, सब्जियां कुछ होती हैं जो अब की बार काफी नुकसान हुआ है। तो आपने सब्जियां उगाई, तो आढ़त और बड़े बड़े जो सब्जी के व्यापारी हैं वो आपको क्या रेट सही देते हैं? नहीं नहीं, नहीं कुछ नहीं रेट मिलता। टमाटर 4 रुपए किलो, 5 रुपए किलो बिका है हमारा, जो के बिल्कुल लागत भी नहीं निकलती है। 10 रुपए किलो तोरी, कुछ जो भाव कुछ थोड़ा बहुत था वो बरसात ने बेल बेल सब खराब कर दिए। अभी ताऊ कुछ दिन पहले जो है ताऊते तूफान आया था, उससे भी कुछ आपकी फसलों पे मार पड़ी है क्या? हाँ बिल्कुल पड़ी है। उसके साथ जो बरसात आई है, उस बरसात का जो पानी है वो सारा का सारा पानी प्याज में घुस गया है, और जो प्याज स्टॉक करने के लायक नहीं रही है, ये सारा कुछ जो है ना बिल्कुल टोटल लॉस है जमींदार को। जी जी, हमारे साथ एक किसान और हैं हमारे पास। बता दूं कि यहाँ पे कम से कम 10 से 12 लोग किसान लोग मौजूद हैं। ये हरियाणा के सोनीपत जिले के किसान हैं, सफियाबाद गांव में, और ये ताऊ हैं जो आ गए हैं। बिल्कुल देखिए, पगड़ी बांध के और कुर्ता, बड़े जमींदार लग रहे हैं, और लग रहा है ये आप दिखा सकते हैं कि भारत की जो नींव होता है, भारत का जो पेट पालता है, वो असली किसान ये है। ऐसे होते हैं किसान, ये होती है सर पे पगड़ी। ये पगड़ी किसी सिंहासन से कम नहीं है, ये पगड़ी किसी ताज से कम नहीं। आइए हम बात करते हैं इनसे। आता हूँ, क्या हाल है? हाल ठीक है भाई, राम जी ने मुश्किल बना दी हमारे जी ने। अच्छा, राम जी ने मुश्किल बना दी कि सरकार ने मुश्किल बना दी? भाई सरकार है कि मानी, सरकार तो कह नहीं सकते। अच्छा, क्यों सरकार तो क्यों नहीं कह सकते? चलत से है जी, वो क्यों हुकूमत से। अच्छा, सरकार की हुकूमत है तो उनसे आप डरते हैं क्या सरकार से? भैया डरेंगे और ना डरते थे, काम हो नहीं जाता है। अच्छा, ठाडे से जलेंगे मतलब मजबूत से डर लगता है आपको? अब तक तो मेरे ना ले ना हो रहा, क्यों हो गए पैसे अब तक ना मिल लिए। अच्छा, जो बात से। तो ताऊ आप अपने खेत में क्या क्या उगाते हैं? भाई जो खेत में क्या करे, ये सबसे बड़ा धन है जी, मानो हो जी जी जी। एक जमींदार के ऊपर या पब्लिक बसी ओड है, बिल्कुल वैल्यू नहीं है जमींदार की को वैल्यू जी। वो तो वैल्यू जी, तो सरकार आप लोग का जो रेट वगैरह तय करेगी तभी तो वैल्यू बनेगी। अच्छा, आप अपने खेत में क्या क्या उगाते हैं? अन्न में, अनाज में क्या क्या उगाते हैं? बाजरा, गेहूं, मक्की तो नहीं है, धान
जी मकई तो यानी तो गेहूं के रेट सही मिल जाते हैं सरकार द्वारा? सरकार द्वारा के रेट मिल रहे हैं 1975 रुपया गवर्नमेंट रेट है, आज तक पैसे नहीं आ लिए। कितने दिन हो गए कि गेहूं के पैसे नहीं आए आपके? 2 महीने से ऊपर हो गए। 2 महीने करीब हो गए। तो 2 महीने से ऊपर हो गए आपकी जो गेहूं के? 2 महीने नहीं हो गए, 2 महीने तो आम हो गए। तो अभी ये मौजूद है, अभी हमने ताऊ से बात की, यहाँ हमारे साथ और भी किसान हैं और आपको मैं दिखा दूं कि चाचा हैं ये। हाँ चाचा, क्या हाल चाल है? बस ठीक है बेटे, ठीक हो? आप भी किसान हैं? हाँ किसान है। अच्छा, तो अपने खेत में चाचा क्या क्या उगाते हैं आप? तोरी है, टमाटर है, प्याज है और ये क्या नाम है, धान है। धान तो कर लगेंगे अभी। अच्छा, तो जो है ये क्या कहते हैं कि इस बार जो बारिश हुई है तावतो तूफान, उससे कुछ नुकसान हुआ है आपके फसलों को? उससे तो पानी प्याज के अंदर भी आ गया, जो वैसी तोरी की फसल थी हमारी, घिया की थी, सब में पानी में बह गई सारी की सारी। अच्छा, नुकसान हो गया? नुकसान बहुत हो गया, गल गई सारी बेल। अच्छा, तो कोई सरकार द्वारा कोई आया इंस्पेक्शन करने, जांच करने कि किसानों को इतना नुकसान हो गया है? आज तक तो आप ही आए हैं पहली बार, बाकी सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं आया हमारे पास। कोई नहीं आया जी, कृषि विभाग की तरफ से कोई आकलन करने नहीं आया, कोई सर्वे नहीं है, कोई भी जो है ना गिरदावरी नहीं है, स्पेशल गिरदावरी जी, जी, जी। कोई कुछ नहीं होता यहाँ पे, कहने को तो सब कुछ है लेकिन वो धरातल पे कुछ नहीं है, सिर्फ कोरे झूठे वादे हैं सरकार के। तो ये तो मैं आपको बता दूं, किसान हरियाणा के किसानों के साथ हम मौजूद हैं और यहाँ पे किसानों के अंदर सरकार को लेकर बहुत ही बड़ा रोष है, बहुत ही गुस्सा है, क्योंकि इनकी लागत भी नहीं निकल रही है, इनके जो हैं फसल, इनकी सब्जियां जो हैं गल रही हैं, खेत में पड़ी पड़ी चल रही हैं। और हमारे साथ अभी कुछ और किसान लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे जो कि हैं। बिल्कुल चाचा, क्या नाम आपका? रमेश। अच्छा चाचा जी, अभी आप किसान हैं और क्या क्या समस्याएं हो रही हैं इस टाइम आपको किसानों के? ये तो हमारे पता ही हो, समस्या हो रही है, जमीन जो है, जो भी बोई है वो डाकर जमीन है, पानी भर गया, ज्यादा मी हो गया था, वो खराब हो गई। अच्छा, पानी ज्यादा भरने कारण आपकी जमीन खराब हो गई। हाँ, और क्या क्या समस्याएं हो रही है जी? हमने तो देखो धान लगाए थे पिछले साल जी, 32,000 तो पिछले साल अपने घर से दिए, 22,000 आपकी बार दिए धान की खेती में घर से। अच्छा, जो लागत लगती है वो भी नहीं निकलती और आपको घर से देना पड़ता है? घर से देना पड़ा। अच्छा, आपने दूसरी बार ये घर से दिया है? हाँ, दो बार हो गया ये, पिछले साल 32,000, आपकी बार 22,000 रूपए दे गए। अच्छा, जब काम हुआ हमारा, हमने छोड़ दिया, हमने लगाऊंगा धान ही बाग। तो मोदी जी को आप क्या कहना चाहेंगे और ये जो है, ये जो हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि आप लोग की जो मार पड़ी है चाहेंगे आप? संदेश देना चाहते हैं, पर सुनता तो नहीं है कोई भी, यहाँ सोनीपत के है, मंदबल जितने एग्रीकल्चर वाले आदमी है, कोई भी नहीं आता है देखने के। कृषि विभाग से कोई आता है चाचा? कोई नहीं आता यहाँ, कभी कोई बताने आया कि ऐसे खेती करिए, ऐसे खेती करिए? ना, कोई नहीं आता यहाँ बताने के लिए। अच्छा, कोई नहीं आता? कोई सुविधा सरकार द्वारा जो मिलती हो आपको? कुछ नहीं मिलता सरकार द्वारा, कुछ नहीं मिलता। तो आप देख रहे हैं कि कितना ज्यादा गुस्सा है, ना कोई सरकार इस टाइम। समस्या सारी है भाई, बताइए, सब डाल की समस्या है। किसे किसे चीज का रेट नहीं, जमींदार की फसल का कोई रेट नहीं, खाद के दाम बढ़ते जा है, जमींदार के घटते जा है, गोभी एक कट्टे खाद का, एक बोरी खाद का क्या रेट है चाचा इस टाइम? इस टाइम 1200, 1900 भी हो रहे थे, और उसका वजन घटाते जा है, वजन घट 50 किलो का था 45 किलो का हो गया, और दवाई है वह सब नकली, कोई असली दवाई नहीं देते, दाम बढ़ते चले जाते हैं। हमारी दवाई को 20 स्प्रे कर लिया, हमारी को भी न्यू की न्यू खेत में पड़ी, एक भी फूल नहीं कट्टा है, एक दिन काट के लेके जाओ, किसी दुकानदार ने उठाया ही नहीं। ये गोभी जो आपके सामने है, जो बंद गोभी है, दूसरे खेत में लगा रखी उधर। अच्छा, आपने भी बंद गोभी उगा? बंद गोभी उगा रखी है। कितने बीघे में आपने उगा रखी है गोभी? आधा किला। अच्छा, आधा किला जू का जू खड़ा कभी, बिल्कुल एक भी वो नहीं हुआ है। तो आपने कुछ उसमें से जो है उगा के काट के बेचने की कोशिश की बड़े बड़े आरतियों के, सब्जी व्यापारियों को? एक दिन ले गए थे। अच्छा, किसी ने लिए ही नहीं, किसी ने आपकी गोभी ली ही नहीं, खराब होगी।
तो सरकार द्वारा कुछ हेल्प मिलती है, मदद मिलती है? कोई मदद नहीं मिलती, ना कोई आता यहाँ किसी विभाग से, कोई आता हो? ना ना कोई नहीं आता। मोदी जी से और मुख्यमंत्री खट्टर से आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो नहीं होगा, इनमें गोली मारो दोनों में, बस कट्टर हो गए, आज मर जाओ ससुरे। अच्छा मोदी जी जो है आप लोग के अंदर इतना, आप लोग मुख्यमंत्री का क्या करें भाई, जो राज का मालिक है वो किसी चीज की खबर नहीं लेता। मर रहा है कि जीवे है। जय जवान जय किसान का नारा था, जय जवान जय किसान कोई जानता ही नहीं, ना जवान ना जान दे ना किसान ना जान दे, दोनों चीज कोई वैल्यू नहीं रही, तो ऐसे राजा क्या करना है। तो हमने चाचा से भी बात की, चाचा ये कह रहे हैं कि जो खट्टर साहब हैं और जो मोदी जी हैं उनसे काफी नाराज हैं हरियाणा के किसान, सोनीपत के किसान। क्यों नाराज हैं ये आपने भी सुना, तो चाचा ये बताइए कि ये जो आपको खेती में आपने लागत लगा रखी है, तो क्या गोभी में लागत भी नहीं निकल रही है आपकी? हम कहें पीछे ही ना बावड़े नोड़ा के पीछे भी ना, तो कीमत की बात करे, जो नोड़वाई कर रखी है उसके पैसे वापस नहीं आए हैं, मजदूरी लेबरों के पैसे भी नहीं दे पा रहे, वो भी अपनी जेब दे रखे करता है कर्जा करके। तो बताए सरकार, तो आपने भी देखा किसानों की हालात, और हमारे साथ यहाँ पे कुछ युवा साथी भी हैं, युवा साथी भी हैं, नहीं शर्माओ मत, शर्मा भाई किसान है, सब लोग किसान परिवार से ही हैं, तो आप लोग भी कुछ युवा किसान भी हैं। राम राम भाई साजा भैया ने, जय जवान जय किसान जय भारत माता की। भाई मैं किसान भाई हूँ एक, मेरी उम्र 27 साल है, तो मैंने अब की बार एक नई फसल उगाई अपने गाँव में। ये फसल हमारे दादा या हमारे चाचा ताऊ पहले बोया करते, कपास की फसल जिसको बोलते हैं, जिसको बाड़ी भी बोलते हैं। तो आज से करीबन 15 या 20 साल पहले इस फसल को उगाते थे, अब इस फसल को गांव में नहीं उगाते। क्यों नहीं उगाते? क्योंकि एक तो इसमें कीटनाशक वगैरह ज़्यादा लगता है, और इसकी कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ इस प्रकार से लोग नहीं बोलते। तो आपको नॉलेज है, आपने कपास उगा रखा है? हमें भी नॉलेज कम है, हमने थोड़ा बहुत इंटरनेट से देख के कुछ कोशिश की है भाई, या तो नुकसान खाएंगे इसलिए भाई, क्योंकि स्टेप तो उठाना पड़ेगा भाई, युवा इसलिए तो बोलते युवा कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल ही उभरते हुए किसान है। और मैं आपको बता दूं, किसान होना एक गर्व की बात है। नरेंद्र मोदी जी को बता दूं कि किसान होना एक महान व्यक्तित्व का काम है, किसान होना एक अपने आप में एक अलग सिंहासन पे बैठे हुए ताज की तरह है। और ये युवा किसान मेरा भाई जो कि 27 साल का है, मात्र 27 साल का है, और इसने कपास जो कि गांव में, हरियाणा के इस गांव में 10-15 साल पहले उगाई जाती थी, और भी पहले उगाई जाती थी, इन्होंने उगाई। तो आपके कितनी लागत लगी भाई उसमें? करीबन मेरा एक किले में 12 से 15 हज़ार रुपये खर्चा इस टाइम पे। तो और अभी क्या तो लगता है लागत निकल जाएगी? भाई देखो, जो नेट पे मैंने उसका भाव देखा है, और जो मेरे खेत में जो फसल अभी लगी है, जैसे जो पौधे उभरे हैं, अगर वो पौधे ऐसे कैसे बढ़िया उभर गए और जो फल भरपूर मिला, तो मेरी लागत निकल जाएगी। ताऊते तूफान अभी आया था, हाँ। तो उससे कुछ नुकसान हुआ? हाँ, क्या उससे नुकसान ये हुआ भाई, मेरा जो बारिश आई उससे मेरा एक किला नष्ट हो गया, मतलब कगार पे है, उसको जैसे तैसे मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक मेरा किला फिर भी ठीक है। अच्छा अच्छा, तो खट्टर जी के यहाँ से या नरेंद्र मोदी के यहाँ से कोई आया क्या आप लोगों से मिले, आप लोगों का दुख दर्द बांटने? हमारे तो देखो इतने बड़े तो लिंक कहाँ भाई, हमें तो गांव का प्रधान जान ले, जब भी बड़ी बड़ी बात होती है। नहीं नहीं, लिंक की क्या बात है, वोट तो ये जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनते हैं, ये तो जो है आप ही लोग वोट से बनते हैं। बिल्कुल भाई, मिलते हैं हमारी वोट से बनते हैं, लेकिन वही बात, इतना बड़ा आदमी हमारे पास, तो यही कह रहा हूँ कोई सुविधा देने वाला है कौन? नहीं नहीं, ये लोग नहीं आएंगे, इतने प्रतिनिधि इनके डिपार्टमेंट का कोई आया भाई? कोई नहीं आता, ऐसा होता है कभी भी कोई फसल बर्बाद होती है, इस गाँव में कभी कोई कृषि विभाग से आया ही नहीं भाई। देखो मैंने तो कभी देखा नहीं भाई, आगे पीछे तो कोई आया हो कि तो मान लो। अच्छा, कोई कभी आया है? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? आप भी किसान है? हाँ किसान है। आपने क्या उगा रखा चाचा? मूली बोई थी भाई। अच्छा, तो बोए थे, तोरी बोई थी, मूली नुगी नु खड़ी है। अच्छा, घिया मर्गी बारिश में तो थोड़ी बहुत मूली जो है सब्जी व्यापारी या आड़तियों के पास ले गए थे आप? ले कहाँ जाते, नष्ट होगी हो। अच्छा, खेत में पड़े पड़े नष्ट होगी आपकी सब्जी? तो कितनी लागत लगी थी उसमें? 50,000 रुपए की लागत आ रही है, बीज पानी खाद दवाई दुई स्प्रे कितना 50,000 की लागत, उसमें 10 पैसे का काम नहीं हो रहा। अच्छा, 50,000 की लागत में आपको एक रुपया भी नहीं मिला? एक रुपया भी नहीं मिल रहा। बिल्कुल, हाँ जी, क्या बोलूं भाई, मैंने एक बात और कहनी है। आज से मैंने करीबन 3 साल पहले 30,000 के आसपास मैंने सिक्योरिटी जमा करी थी बिजली के कनेक्शन के लिए, वो कनेक्शन मेरा आज आया है, मतलब पिछले महीने आया है, लेकिन उसमें अब सरकार ये कह रही है कि 3 साल पहले जमा किया था सिक्योरिटी। अच्छा,
30,000 रुपए सिक्योरिटी जमा होती है, वो सिक्योरिटी से जमा होती है कि भाई आपका कनेक्शन आ जाएगा। अच्छा, तो तीन साल बाद आया है? हाँ जी, 3 साल बाद आया है। हरियाणा का बिजली विभाग इतना स्लो है भाई, वो तो मुझे पता नहीं क्या इनकी प्रोसेस है, लेकिन मैंने 30,000 रुपए जमा कर रखे। प्रोसेस भी होता है तो यार 3 साल लग गया है यार। हाँ जी हाँ, 3 साल। तो आपने कभी पूछने कोशिश नहीं की? पूछना किससे पूछे, वहां जाओ तो कह रहे जी अभी आपका नंबर वेटिंग में है, वेटिंग में बहुत सारे एप्लीकेशन जा रहे हैं। हम तो अनपढ़ आदमी, उल्टे आ जाए कोई कहते भाई बनी बताओ और 2 महीने लगेंगे, कोरोना है, ये है, वो इलेक्शन है, तो और किस तरह भाऊ जी। तो अब मेरा कनेक्शन है, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ उस कनेक्शन के, आज मैं पूछ के आया था मतलब अभी 10-5 दिन पहला, उसमें कह रहे हैं कि आप तो 12-13 हज़ार रुपये का तेगा आपका खंभा पड़ेगा, और करीबन करीबन मेरे खेत तक कनेक्शन जाने में 4 से 5 खंभे का डिस्टेंस है, वो खंभे का खर्चा, ट्यूबवेल का खर्चा, बोरिंग कराऊंगा, और जो ट्रांसफार्मर रखा जाएगा वो मेरा है। मैंने घर पे बैठ कर कल हिसाब लगाया, 4.5-5 लाख रुपए मेरा कनेक्शन है। तो आप लोग या जो मेरे और भी बड़े भाई हैं या और जमींदार हैं, मैं बताऊँ एक किसान आदमी 5 लाख रुपए किसका कर्जा करूँ? तो ये जो ट्रांसफार्मर, ये जो खंभे हैं, सरकार अपनी तरफ से नहीं देती है? बिल्कुल नहीं देती भाई, किसी भी भाई से। आप तो मीडिया वाले हो, मैं आपको बता दूं अपने चैनल के माध्यम से, किसानों को जो पानी की व्यवस्था होती है वो सरकार की तरफ से होती है। सरकारी ट्यूबवेल लगते हैं, सरकारी ट्रांसफार्मर लगते हैं और सरकारी खंभे लगते हैं। और तीन साल से ये युवा जो है अपने खेत में पानी के लिए इंतजार कर रहा था, और अभी तक जो है 1 महीने पहले इसका ट्रांसफार्मर आया है। और ये ककड़ी खराब होगी ना भाई, इतनी मोटी ककड़ी है, चाचा खेत की ककड़ी है, खराब हो गई। अच्छा, ये ककड़ी बारिश से खराब हुई है भाई? ये तो वही बात ना, जैसे हवा चलती है तो बेल पलट जाती है। अच्छा। तो पैदावार नहीं हो पाती उसके, तो काटे से होते हैं ना जमीन से। अच्छा, जो आंधी तूफान आता है उसके कारण ये ककड़ी आपकी खराब हो गई। अच्छा, तो ये जो बिजली वाला कनेक्शन है, ये तो सरकार जो है आप लोग को मुहैया कराना चाहिए, आप लोग खुद क्यों परेशान हो रहे हैं? हमने तो जब से वो संभाला है, कम से कम देखो मैंने 27 साल उम्र बताई है, तो 18-19 साल के बाद बंदा एक आगे जब तक तो पढ़ाई करता है, फिर जब से मैंने खेती बाड़ी में भाई स्टेप उठाया, तो मैंने तो कभी देखा नहीं कि भाई मेरा कनेक्शन फ्री लग गया, या किसी भाई आस पड़ोस में सुनी हो, गांव को वाने सुनी हो भाई फ्री। अच्छा, आप लोगों को सबका जो कनेक्शन है वो सब हर कनेक्शन के लिए पैसा देना पड़ता है सरकार को? खम्भे के भी पैसे देने पड़ते हैं, ट्रांसफार्म के भी देने पड़ते हैं, लाइन का चार्ज देना पड़ता है, 2-2.5 लाख रुपए खर्चा तो इसी का दे देते हैं। एस्टीमेट बना के दे जब लगा जाए वो खर्चा। अच्छा, आपको पहले एस्टीमेट बना के देते हैं कि आपका इतना पैसा लगेगा? जिसका ट्यूबवेल लाग रहा है सबका एस्टीमेट बना के दे देंगे, पहले जमा करवा देंगे, जब तक हम पैसा जमा नहीं करेंगे। मर्सिबल भी अपने पास से देती है, उसके पैसे अलग लगाती है, प्राइवेट मोटर भी नहीं खरीद सकते। आप देख सकते हैं कि हमने हरियाणा के किसानों के साथ जो बात की है उसमें एक बहुत ही बड़ा भ्रष्टाचार बिजली विभाग द्वारा ये सरकार कर रही है। और मैं आपको बता दूं किसानों की जो इतना ज्यादा शोषण हो रहा है, आप देख सकते हैं कि इनको ये जो सरकारी व्यवस्था है उनपे भी इनको पैसा लिया जा रहा है। और आप मेरे साथ देख सकते हैं कि और भी कई किसान लोग मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे। हाँ चाचा, नमस्कार जी। क्या नाम आपका? दलीप सिंह। आप भी किसान हैं? किसान है भाई। क्या बो रखा आपने अपने खेत में? सारी सब्जी बोई थी, किसान नियोटी आजादपुर मंडी में फ्री में गेर गया, किराया भी जेब दे रखे है। अच्छा, आजादपुर मंडी, यहाँ से कितनी दूर है आजादपुर मंडी? 30 किलोमीटर, यहाँ से 15-20 किलोमीटर है। अच्छा, तो यहाँ से आजादपुर मंडी का किराया कितना है? किराया कितना दिया आपने? 2,000 रुपए किराया दिया, मोड़ी का टेम्पू भर के ले गया था, फरी में गेर का पल्ली और घर से गई, किराया पल्ली घटते दी और मजदूरी घटते दी और या गोभी छड़न लाग रही। अच्छा, तो आपने जो मूली उगाई थी उसका 1 रुपया भी आपको नहीं मिला? फ्री में आप आजादपुर मंडी? फ्री में ये भी खड़ा है, 1 किलो और 2 किले लगाई थी। अरे 1 किलो तक बाया है गोभी, या न्यू किनू आपने देखी है या गोभी छड़न लाग रही और वह छड़न लाग रही और जोड़ के ऊपर गेहूँ छड़ा पूरा लगा तैयारी पे था, 1 किलो पूरा गेहूँ का छड़ा। आपका पूरा 1 किलो गेहूँ छड़ गया? गेहूँ छड़ा, धान भी छड़ा, पर धान को ही पता है। 1 किले के गेहूँ गाने में चाचा कितनी लागत लगती है? बहुत लागत लगती है जी, फिर भी लमसम सांप भी खा जा, बिच्छू खा जा, रात न के पता दिन में तो बिजली आती ना, रात नहीं करना पड़ा है। अच्छा, दिन में यहाँ बिजली नहीं आती है? हाँ, वो प्रधान ने ईसा कर रखा है, वो जोड़ खदवा दिया 40 फुट। प्रधान जी का क्या नाम है यहाँ के? मेद सिंह है, अमित कौशिक है, उसने ईसा करवा रखा बाबू बेटे ने, और उसका वो पानी सारा उड़ा मेरे उसमें जा फसल में।
उसका कोई नहीं, अपनी साइड से दीवार करवा ली उसने, और हमारी साइड वो कच्चा पड़ा था सारा न्यू का न्यू, वो टूट के अब जाके देख लो मौके पर आ रहे हो आप, तो आज भी पानी भरा है। यहाँ हमने बात की कुछ युवा किसान से और कुछ बुजुर्गों किसान से, और आप देख सकते हैं कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हम कभी हरियाणा के सोनीपत जिले के खेत में खड़े हैं, और मेरे साथ किसान, बहुत सारे किसान मौजूद हैं जिसने, जिनमें से अपना दुख, अपना दर्द, जो पैसा, जो सुविधाएं सरकार को एक भी पैसे में नहीं फ्री में करनी चाहिए, जो सरकार का काम है, जो सरकार का कर्तव्य है, जो सरकार जिस लिए चुनी जाती है, ये वोटर्स वही हैं। खट्टर साहब, मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बता दूं कि आप अभी भी इनकी आवाज़ सुनिए, इनका दर्द सुनिए। मोदी जी ये किसान हैं, अगर ये नहीं रहे तो इस पूरे भारत में किसी का भी पेट जो है नहीं भरेगा, किसी को भी 2 जून की रोटी नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल, ये खास रिपोर्ट हम आपको अपने चैनल के माध्यम पहुंचा रहे हैं। नमस्कार, प्रदीप यादव के साथ संभव शुक्ला।